चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे देश और प्रदेश के आज के मुख्य समाचार, उसके बाद हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें। लेकिन ये सब जानने से पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते चले, आप हमारे साथ रात के 9:30 बजे लाइव जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं जम्मू कश्मीर के top 10 हेडलाइंस, और साथ ही साथ फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड वीडियोस आप हमारे फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और हमारे वीडियोस को जरूर आगे शेयर करते रहे। और अब चलिए आइए जान लेते हैं क्या है दिन का पहला मुख्य समाचार। महाराष्ट्र से मिले ओमिक्रॉन के 7 नए केस, देश में अब तक 12 मामले आए सामने। समाचार जम्मू कश्मीर से, फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, बोले किसानों की तरह अपने हक के लिए देनी होगी कुर्बानी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तीसरा समाचार, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 अर्न्ड लीव। समाचार बताते चले, मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को मास्टरमाइंड से मिले थे 10 करोड़ के महंगे तोहफे, ईडी के सोर्सेज ने बताया। अब चलिए आइए इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। समाचार, देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रकोप अब हर दिन बढ़ता जा रहा है। रविवार शाम तक महाराष्ट्र से ओमिक्रॉन के 7 और मामले दर्ज किए गए, जिसके चलते अब पूरे देश में 12 मामले सामने आए। अगला अहम समाचार आपके समक्ष, जम्मू कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र द्वारा छीने गए अधिकारों को पाने के लिए किसानों की तरह बलिदान देना पड़ सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छा समाचार इस वक्त बताते चले, नए वेज कोड को लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही है और अब ये नियम अगले साल यानी कि 2022 में लागू किए जा सकते हैं। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां आदि में बदलाव होंगे। जानकारी देते, दिल्ली की तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में रोजाना ने चुकाने वाले खुलासे सामने हो रहे हैं। इस केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी और सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का जिक्र भी किया गया। अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें, दिन भर के top 10 हेडलाइंस जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। आपके लिए दिन की पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ये रही। जम्मू कश्मीर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। माँ वैष्णो देवी यात्रा पर आने वालों के लगातार संक्रमित पाए जाने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटे में कटरा आने वाले 61 और यात्री संक्रमित पाए गए हैं। पुलवामा जिले से अगली खबर, पुलवामा जिले में अवंतीपोरा में फिरन पहने आतंकियों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, लेकिन ये बाल बच गए और आतंकी को खोजने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तथा तीसरी खबर, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। कुछ समय पहले द लेक में कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट ने भाग लिया था। अब ई ऑफिस से चलेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम, जी हाँ, बढ़ेगी अकाउंटेंसी और ट्रांसपेरेंसी। आपके समक्ष, प्रदेश में 80 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूल्स में हर विषय पर होंगे दो टीचर्स। अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षकों का रैशनलाइजेशन करने जा रहा है। वेदर रिपोर्ट्स बताते चले, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गुलमर्ग में बर्फबारी और उधमपुर के चंदेनी इलाके से बारिश हुई है, इसे पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ चुकी है। अपडेट आपके लिए, जम्मू कश्मीर में कोरोना के केस बढ़ने पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। टीकाकरण करवा चुके श्रद्धालु ही माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। जानकारी देते, बंद से 5 दिन पहले 8 दिसंबर को गृह मंत्रालय और लद्दाख प्रशासन के अधिकारियों की अहम मीटिंग में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया जाना तय है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई सुरजीत सिंह सलाथिया को प्रदेश भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अक्टूबर में देवेंद्र राणा के साथ एनसी पार्टी छोड़कर आए थे ये। चलिए फिलहाल बस इतना ही, ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर के top 10 हाइलाइट्स यानी कि दिन भर की खबरें, ये हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसे ही top 10 हाइलाइट्स हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे, लेकिन उससे लिए आप हमारे साथ रात 9:30 बजे लाइव जुड़ सकते हैं सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारी वीडियोस को आगे शेयर करते रहे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। शुभ रात्रि।